जय जोहार जय छत्तीसगढ़। मैं इंडियन बबलू भैया साथ में आपके यशराज विनायक के साथ आए थे, देख सका था यशराज भाई घलो के। हम दोनों मिलके सर के इंटरव्यू लेना लेवा था निमिर सर के टॉकीज, मतलब टॉकीज नहीं मल्टीप्लेक्स भैया कबर के पहली रीस हुई टॉकीज कबर के, बहुत मॉडिफाई हो गए और इतना मॉडिफाइड हो गए कि आप मैं सोच नहीं सका। आप मैं वीडियो देखूँ फुल वाला तो मैं आप मतलब समझ आ जाइए। मोर ख्याल से छत्तीसगढ़ में नहीं हुई इसने थिएटर और ये है चापा में स्थित है। तो पिक्चर लगी 5 मई के, नीचे में नाम दे ये देख सका था। अब सर से बात करबो तो सर आप मन चैनल में धन्यवाद आप लोग का मल्टीप्लेक्स। जी सर, ये हमारे पुराने पैतृक संपत्ति है, हमारे दादाजी ने इसकी शुरुआत की थी। इसका पुराना नाम था रूपवाणी टॉकीज, इसका मतलब होता है साउंड एंड लाइट, सिनेमा का सही नाम बोलने से रूपवाणी टॉकीज। अब समय के हिसाब से कदम ताल करते हुए हम लोगों ने इसमें कुछ प्रयास किया है, एक मल्टीप्लेक्स का फॉर्मेट दिया जाए जो शहरों में आपको उपलब्ध नहीं है, उससे सस्ते रेट में, उससे रिजनेबल रेट्स में सारी फैसिलिटी आपको दिखेगी। यहाँ पर फूड कोर्ट है, देख सकते हैं सारी चीज़ें हाइजीनिक हेल्थ हैं, सारे स्टाफ प्रॉपरली ड्रेस्ड हैं, बर्गर स्लश जो भी हैं सारी चीज़ आपको उपलब्ध है। साउंड लाइट की क्वालिटी बेहतरीन है, कभी आइए, स्वागत है आप लोग का। स्वीट कॉर्न है, पेटीज है, पिज्जाज हैं, जो भी आपको मिलेगा सब इसमें उपलब्ध है। अगर बात करें तो कितने से स्टार्ट है सर यहाँ पर का जो प्राइस? स्वीट कॉर्न जो आपको मिलेगा 50 रुपए में, मेरे यहाँ 20 रुपए मिलेगा। जो पॉपकॉर्न को 50 मिलता है, मेरे यहाँ 20 मिलेगा। अच्छा, सारी चीजें रिजनेबल हैं। अच्छा सर, समोसा जो दिया गया था, समोसा हम लोग आउटसोर्सिंग के समोसा में देते नहीं, हम लोग पेटीज समोसा नहीं। अच्छा अच्छा, और हम लोग पॉपकॉर्न भी डिलीवर करते हैं, पिज्जा भी डिलीवर होता है, मल्टीप्लेक्स में पिज्जा नहीं मिलता, पिज्जा डिलीवर करते हैं हॉल के अंदर। पेस्टीज का क्या रेट है? पेटीज 30 रुपीज है, मसाला पेटीज और पूरा कोल्ड ड्रिंक का यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक सब MRP चलता है पूरा। अच्छा, MRP सर्विस चार्ज लेते हैं जो सफाई के नाम से लगता है। जैसे सर मान लीजिए 20 रुपए वाली चीज कितने में आएगी? 20 वाला 25 रुपए 5 जुड़ेगा सर्विस चार्ज। सर्विस चार्ज सर्विस टैक्स नहीं है वो, साफ सफाई का जो पैसा है वो उसमें जुड़ता है। तो देख सकते हैं। मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा सर, ये हमारे चापा में है, और भी है, ये हमारा प्रथम है। इसके बाद एक और सिनेमा है, उसने इसकी रिमॉडलिंग किया तो वो भी सिंगल स्क्रीन चल रहा है उसमें भी सिंगल स्क्रीन। मतलब कहने का मतलब चांपा जैसे शहर में इतना बेहतरीन मल्टीप्लेक्स जो रायपुर जैसे बड़े सिटियों में, मुंबई की टक्कर में जो है, कहने का मतलब यही है कि छत्तीसगढ़ का नंबर वन अगर मल्टीप्लेक्स कहा जाए तो मुकुंद है। बिल्कुल, ये आपका बड़प्पन है और प्रयास उसी स्तर का है कि रिजनेबल रेट में लोग सिनेमा देखें, इन्जॉय करें, उसको खाएं पिए, इन्जॉय करें, पिकनिक का स्पॉट बनाएं, फैमिली एम्बेस करें, क्वालिटी टाइम बिताएं और दे शुड एंजॉय द मूवी। जैसे राज कपूर ने कहा था भाई, जीना इसी का नाम है, किसी का गम अगर तू ले सके उधार, किसी के मुस्कराओ दिल में हो अगर मुस्कुराहट दे सके तुम अगर, तो जीना इसी का नाम है। जो मुंह मांगा मुकुंद, मुंह मांगा तो नहीं बोलेंगे, कृष्ण जी का नाम है मुकुंद। देखे मुकुंद जो थे भगवान श्री कृष्ण का नाम है, मुंह मांगा से बिल्कुल परिपूर्ण थे। उसी प्रकार से हमारे मुकुंद जो मल्टीप्लेक्स है वो भी सब सुविधा युक्त है। बिल्कुल बिल्कुल। पब्लिक नॉर्मल जो सीट है उसका प्राइस कितना है? 80 रुपीज। तो सर हम जो मल्टीप्लेक्स में गए थे जो नॉर्मल था वो भी लग्जरी जैसा लग रहा था, उसका स्क्रीन 3 में 200 रुपया। अच्छा, स्क्रीन 3 में 200 रुपए और पीछे का? तीनों के रेट्स अलग अलग हैं। अच्छा अच्छा, स्क्रीन 1 में 80 रुपीज स्टार्ट है। हाँ हाँ, सिनेमा सारे वातानुकूलित है, एयर कंडीशन है, सारे साउंड क्वालिटी सब अच्छे हैं, 80, 100, 180 इसमें है। अच्छा, स्क्रीन 2 में 100 से स्टार्ट है। अच्छा, 100, 140, 230 और स्क्रीन 3 में 300 रुपया 200 रुपये। सर बात करें अभी जो मूवी ये लगेगी, जी हाँ, ले शुरू हो गए माया के कहानी, तो इसका प्राइजेज स्टार्टिंग कितने से? 80 रुपीज। 80 रुपीज से स्टार्ट है और हाईएस्ट 180। अच्छा, चापा वासियों के जो मुकुंद के माध्यम से उनको बेहतरीन उपहार मिला जी, 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 क्योंकि हमारा सिर्फ सिनेमा जगत होता है, समाज में भरपूर प्यार है, भरपूर प्यार मिलता है उनका और प्यार मिलता भी रहे, हम यही दुआ करते हैं। और दूसरी चीज क्या है, उपहार के रूप में चापा वासियों को बहुत बधाई के पात्र है चापा वासी जो उनको मुकुंद जैसा थिएटर मिला। भरपूर प्यार है सिनेमा प्रेमियों के लिए, हम लोग भी प्रयास करते हैं पूरा और हम लोग भरपूर समर्थन हमारा पूरा सहयोग करते हैं, हम लोग साफ सफाई मेंटेन करने में, एम्बियंस मेंटेन करने में, पारिवारिक माहौल उनका पूरा समर्थन। आपने देखा भी, आप मिले होंगे लोगों से, तो सारे लोग एक दूसरे जानते हैं और ये हम भी प्यारे बात मिलनसार है और मतलब हम भी चाहते हैं कि लोग जाने पहचाने और खुश रहें, अच्छा खुशी बांटना है हमको। अब जैसे अब यहाँ देखा चांदकीर भी नजदीक है जहाँ मेट्रो सिनेमा देखा हमने और ये मुकुंद सिनेमा देखा, दोनों में है तो दोनों तो कंपनियां हैं समझ, लेकिन हमारे चांपावासी बहुत सौभाग्यशाली है जहाँ मल्टीप्लेक्स वो भी रायपुर जैसे सिटी से इतनी दूर और मल्टीप्लेक्स और इतनी सब सुविधा युक्त है ना, मनोरंजन के लिए फुल पैसा वसूल है। ये पब्लिक बोलती है, हमारा काम तो जो जनता बोलती है वही सही सत्य है, दोनों भी बोलते हैं पैसा वसूल सिनेमा है। तो ऐसे कार्यों को देख के बबलू भैया हमको लगता है कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया तो है, लेकिन छाती चौड़ा करके अब दोबारा बोल सकते हैं कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया।
बिल्कुल आइए छत्तीसगढ़ी मूवी स्टूडियो सिनेमा वापस देखिए, सिनेमा जिंदा रखिए। इससे कई लोग जो यहाँ पर काम नहीं करते उसके अलावा भी 100 लोगों को रोजगार मिलता है। सिनेमा प्रॉपर कर्मचारी से नहीं, सिनेमा से अप्रत्याशित रूप से 100 लोगों को रोजगारी मिलती है। जैसे बाहर आप देखें चना का चल रहा है, कचौड़ी हाउसकीपिंग है, लॉन्ड्री है, पोस्टर के छपाई है, फ्लेक्स छपाई, तो सिनेमा से जो प्रॉपर कर्मचारी रहते हैं उसके अलावा भी 100 लोगों को रोजगार मिलता है जो सरकार। और ये तो हो गई रोजगार की बात, हो गई कहीं ना कहीं हमारा संस्कृति और धरोहर को भी एक सम्मान मिलता है। कला जिंदा रहना, सिनेमा कला है, क्रिएटिविटी है, इसको जिंदा रहना चाहिए, है कि नहीं? मतलब ये जैसे राज कपूर ने कहा था शो मस्ट गो ऑन, उसी लाइन में हम चल रहे हैं, शो चलना चाहिए, शो जिंदा रहना चाहिए। और एक बात और, आपका थिएटर इतना अच्छा बना है, हमारा जो वीडियो जाएगा अमेरिका तक भी जाएगा, माने पाकिस्तान नाम नहीं ले सकता मैं, मान के चलिए फॉरेन कंट्री भी जाएगा, तो क्या बोलना चाहेंगे बाहर के लोगों को? बाहर लोगों में हिंदुस्तान में प्रेम भाव लगन और कला ये सिनेमा में पूरा प्रतिबिंब है। साहित्य जैसे जमाने में था, साहित्य समाज का दर्पण है, उसी के अनुरूप आज सिनेमा भी समाज का दर्पण है। जैसे लोग रहते हैं जिस मिलनसार भाव से मिलते हैं, और सिनेमा तो सेकुलर है पूरा, इसमें हर किस्म के, हर जाति के लोग, हर वर्ग के लोग आते हैं, बिना पैसे के, बिना किसी स्टेटस के, ये एंजॉय द मूवी एट द सेम लेवल। तो ये सबसे बड़ा सेकुलर का स्थान भी है। जैसे मेला होता है आपका, नदी नहाते हैं लोग यहाँ, तो वो भी नहीं जाति पाते, कोई भेदभाव बिना किए लोग पारिवारिक रूप से मिलते हैं, और यहाँ ये चीज़ यही मिलेगी हिंदुस्तान में आपको। और इसको और हिंदुस्तान में, और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, क्योंकि हिंदुस्तान की बात जब चल रही है तो एक दो ही स्थान है, एक भारत माता और दूसरा छत्तीसगढ़ महतारी, जो माँ की दर्जा का, और यहाँ दोनों जगहों पे अतिथियों भाव है, बिल्कुल बिल्कुल, अतिथियों का सरकार जो है देव के भांति की जाती है, वो छत्तीसगढ़ हो सकता है और भारत। तो देखो संगवारी मन, अगर आप विदेशी है तब वो आ सकते हो जांजगीर चांपा, चांपा में आना है, जांजगीर एमएलए 12 किलोमीटर दूर है, तो जांजगीर चांपा माहू मल्टीप्लेक्स बता दो, मुकुंद मल्टीप्लेक्स गौशाला रोड चांपा, पधारिए जरूर, स्वागत है आपका, अच्छा लगेगा, ये दावा भी है और वादा भी है। ठीक है, थैंक यू सर।